लेकिन देर हो गई है क्योंकि काफी बच्चे जा चुके हैं, आते आते देर हो गई है, मुझे वेट कर रही होगी ना बस। आ जाओ, किधर है, किधर है बश? जी जी मेरा शहजादा, मैं अकेली आई हूँ। आपने क्या पकड़ा हुआ है? क्या देने पकड़ी हुई है? यही कुछ कठी करती है, तुम कठा करती हो ना जान मान, है ना? बैग तो मुझे दे दो, मेरी जान है, बैग तो मुझे दे दो, मेरा बेटा थक जाएगा। क्या? हाँ क्या क्या? पिया को देने हैं? चलो 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 मेरी शहजादी, अब आके जाना है आज आपने। अच्छा, ये ऐसे नहीं जाना आपने, ऐसा ऐसा ऐसे मेरा शहजादा भागेगा। ठीक है ठीक है, साइड पे हो जाओ, घड़ी आ गई है। आज कैसे भाग रही है, अल्लाह का शुक्र है, वरना कल से मुझे बड़ा तंग किया। ये रास्ते में ना ये पौधे इकट्ठे करती जाती है, कभी उधर से उतारती है, कभी उधर से उतार दिया। चलो ठीक है बस बेटा, बड़ी धूप है, अब बड़ी धूप है, चलो खुदा के लिए चलो। करती है ना रास्ते में बहुत ज़्यादा, कभी कहीं खड़ी हो जाती है तो कभी कहीं खड़ी हो जाती है, और फिर हमें इतनी लेट हम हो जाते हैं ना घर जाते जाते। और ये देखिए इतना बड़ा ये आम का पौधा है ना, दो पौधे लगे हुए हैं आम के, रास्ते में ना बड़े ज़्यादा पौधे आते हैं। ये देखिए इतना बड़ा आम का, बड़ा पुराना पौधा है, और ये खजूर का पौधा है, ये देखिए इतना बड़ा खजूर का पौधा ही। चले ठीक है, चलो चलो भैया। और नारों के पौधे भी लगे हुए हैं इधर, नारों के, अमरूदों के बड़े ज़्यादा पौधे हैं इधर। तुम किधर चढ़ रही हो? घर चले, अब देर हो रही है बड़ी। और भी बस ये मैं आपको दिखाऊं, ये मस्जिद हमारे घर के पास ही है ये मस्जिद, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खूबसूरत मस्जिद ये बनी है ना, बड़ी प्यारी। ये देखिए ये इसका दरवाज़ा है, बहुत ये ना डबल स्टोरी बनी है, और बहुत बड़ी ये मस्जिद है और मदरसा है, इधर बच्चे कुरान पाक की तलीम भी हासिल करते हैं, और पांचों वक्त की नमाज माशाल्लाह पढ़ी जाती है इधर, और बहुत बड़ी मस्जिद ये बनी है, जामिया मस्जिद, मस्जिद नूर मस्जिद, बहुत बड़ी मस्जिद है ये देखिए। और ये बिल्कुल हमारे घर के पास है, और ये देखें किधर चढ़ गई है बश नूर, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो तुम अब ऐसे चढ़ती जाओगी बेटा, आ जाओ। चलो ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स साहब? आई होप कि आप हरी ऐसे होंगे, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, शादोबाद रखे, और आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो व्यूअर्स, व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, आपके तावन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो व्यूअर्स, मैं गई हुई थी अबश को स्कूल से लेने के लिए, और अभी अभी मैं आई हूँ लेके, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो आके और देखा अबश रास्ते में इतना तंग करती है, रास्ते में जगह जगह वो खड़ी होती है और चलती नहीं, ऐसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा, बच्ची है ना वो तो ऐसे वो करती है रास्ते में, सारा रास्ता उसने तंग ही किया मुझे, कभी उधर खड़ी हो जाती है, कभी उधर खड़ी हो जाती है, ये कुछ करती है वो। तो आगे हैं हम, और अबश नहाई है और मैं भी नहाई हूँ, अल्लाह का शुक्र है हम घर पहुँच गए इतनी गर्मी में, और घर आए हैं तो आके देखा कि जो एक आदमी आया हुआ था और उसने हमारा जो आउटडोर है ना एसी का वो उतार दिया है, और अब हमने एसी का आउटडोर भी उतरवा दिया है, और ये इनडोर हमारा इधर ही लगा हुआ है, ये हमने नहीं उतारा, क्या करें भाई, इतना ज़्यादा पीला आ जाता है तो बंदा क्या करे, हमने उतार ही दिया है। तो इधर हमने काम भी शुरू करवाया हुआ है, ये देखें
ये किस्तों में हमारा काम हो रहा है ना भाई, महंगाई बहुत ज़्यादा है और ज़ाहिर है गरीब लोग हैं हम, तो इतनी जल्दी सारा काम हम एक साथ तो कर नहीं सकते, तो इसलिए फिर शुरू हो गया है। और ये कमरे अब नीचे से जो प्लस्तर है ना वो हो गया है, सारे कमरे माशाल्लाह हो गया प्लस्तर, और फिर ये सीलिंग का काम रह जाएगा, ये हो जाएगी, तो इधर भी हमारा काम शुरू हुआ है। बाहर ये जो बाहर वाला जो है ना हमारा ये बालकनी, और ये जो ये मत्था है ना हमारा, ये भी हमने प्लस्तर करवाना है, तो इस वजह से जो हमने ना आउटडोर उतरवा दिया है, तो जब ये प्लस्तर हो जाएगा ना तो फिर लगा लेंगे ये सारा मत्था जो ऊपर से ना, ये प्लस्तर होगा क्योंकि ये ऐसे बुरा लग रहा था तो इतनी देर का ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो ये भी साथ ही हो जाएगा। और ये पड़ा हुआ है हमारा आउटडोर जो उतरवा दिया है हमने, जाते हुए ये बर्तन भी हम नीचे ले जाते हैं, ये बर्तन पड़े हुए हैं, उन इनके चाय वगैरह दी थी ना ये मिस्त्रियों को, तो ये ले जाते हैं हम नीचे। अब्दुल रहीम का एसी आज उतर गया है, अब्दुल रहीम हाँ अब्दुल रहीम कैसे सोएगा, क्यों इसका एसी उतर गया है, एसी ले गए उतर गए, किसने उतारा है आपके एसी, मामा ने कब उतारा है, मामा कह दिए मेरे को नहीं बिल दिता जाना, लाओ एसी, एसी लाओ आप ही बिल दो तो जाओ निकलो इतों, निकलो हैं आज अब्दुल रहीम कैसे सोएगा, आज इस रूम में सो जाएगा, इस रूम में भी एसी है ना, इधर सो जाएगा नीचे, हाँ इधर है हमारे पास, ठीक है ठीक है, हाँ आज उधर सो जाएगा हमारे पास, करना वही सीने का होगा ना आज हमारे पास, बाबा को पारी नहीं करनी, बाबा को पारी करो, जो पारी कर लो बाबा को, शाबाश। और आज हमारा जो अब्दुल रहीम है ना ये बहुत परेशान होगा कि एसी उतर गया अब हम कैसे सोएंगे, वो ये क्या क्योंकि एसी का इसको बहुत होता है, जब शाम पड़ते हैं तो कहता है हमने एसी को एसी ले आया जाकर जल्दी से। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको आज की ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।